नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे एग्जाम तक याद रखा जाए। तो भैया जी और बहनी जी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है रिवीजन करना। रिवीजन करना काहे के लिए जरूरी है वो भी समझो। देखिए, जो हमारा माइंड है ना, हमारी बुद्धि है, जो ब्रेन है, ये हमारा है लुल। अगर आप चीजें लगातार जो है कोई ना कोई इनके कॉन्टेक्ट में आता रहता है तो इनको याद रहता है मंड भाई जी को, और अगर नहीं आता रहता है तो नहीं याद रहता है। आप ये समझिए, आप अपने मम्मी पापा काका काकी बहन भाई को काहे नहीं भूलते हो, या फिर आपकी जो है मान लीजिए कुछ ब्रेकअप हो गया हो लड़की के केस में, वो कहती है कि सारे लड़के एक ही छोटे हैं, मैं कैसे लेना बनूंगी। लड़के के केस में कहते हैं कि ले मुझे उसने टुकला दिया, अब मैं इंतकाम लूंगा, मैं पिक्चर देखूंगा वाली। अरे भैया जी और बहनी जी, लैला मजनू नहीं बनना है। लैला बनेंगे, मजनू बनेंगे पढ़ाई लिखाई करके, उसको रिवीजन नहीं करेंगे। जो ज्यादा जरूरी है वो नहीं करेंगे, पर फालतू की चीजें करा लो इनसे। भैया जी रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ में आ गई बात। ये एक छोटू सा एग्जाम्पल था। एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए, आप जो है अगर एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी आपने ले ली तो क्या वो चलती रहेगी? उसमें अगर फ्यूल नहीं डालोगे तो कैसे चलेगी? तो ये वही फ्यूल है। आप जिंदगी में अगर आप देखें, डेली आप लाइफ में जब मिलते हैं, हजारों लोगों से मिलते होंगे, कई सारे मान लीजिए मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, दुकान में गए, मॉल में गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर जगह इतने सारे लोग हैं कि आपको सब याद रहते हैं? नहीं याद रहते हैं ना। लेकिन वो जो गर्लफ्रेंड है जिसने आपको धोखा दिया, या फिर वो जो बॉयफ्रेंड है जो आपको चीट करके भाग गया, वो काहे याद रह जाता है? काहे कि आप उसको दोहरा रहे हो, वो बस गया है, याद करने की कोशिश कर रहे हो। मां बाप काहे जो है आपको याद रह जाते हैं? क्योंकि उनसे डेली मिलते हो। इसलिए रिवीजन जरूरी है। आप अगर स्टूडेंट हैं, कई सारी चीजें नई नई सीखते रहते हैं, डेली सीखते हैं, नई चीजें सीखते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, अरे उसमें रिवीजन ही नहीं करोगे तो फिर कैसे वो फाइनल एग्जाम में आपको याद रहेगी? कॉन्फिडेंस अगर लाना है, टेंशन कम करनी है जिंदगी की, तो भैया रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल जो इंसान होता है, कोई सुपर ह्यूमन तो आप लोग हो नहीं। अगर सुपर ह्यूमन होते तो भैया एक बार पढ़ लेते और आराम से एग्जाम में जाके हुकाते। लेकिन चूंकि आप सुपर ह्यूमन हो नहीं, ठीक, और जो हमारा माइंड है वो ऐसा बना हुआ है कि भूल जावत है, वो काहे कि वो है लुल, समझ में आ रही है? तो भैया जो लुल है उसको बार बार सिखाना पड़ता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है, इसीलिए रिवीजन जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, चाहे 15 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, रिवीजन बहुत जरूरी है, ताकि वो वाली चीजें बार बार उसको दिखती रहे। माइंड जो है, अगर मान लीजिए आपने कुछ पढ़ते जा रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उसको कुछ ना कभी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सीधे एग्जाम में जाके सोच रहे हैं उग देंगे, घंटा उग पाओगे, खुद ही उग जाओगे, समझ में आ रही है? इसीलिए उसको रिवीजन करिए, क्योंकि हम हैं इंसान, चीजें भूल जाते हैं, हजारों चीजें हैं लेकिन मेन मेमोरी में नहीं जा पाती हैं। वही जा पाती हैं चीजें जो लेटेस्ट में बार बार आपके थ्रू आती रहती हैं। ये साइंस है। रिवीजन करते रहोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, टेंशन जो है खत्म हो जाएगी, एनालिसिस करने में आसानी रहती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग उससे हो सकती है। एक और चीज समझिए, आप अगर मान लीजिए आपका लेटेस्ट में किसी से कुछ पंगा हुआ हो, या फिर आप कहीं जा रहे हो, हौके गए हो, कूटे गए हो, पीटे गए हो, कुछ भी आपके साथ ऐसा कुछ कांड हुआ हो, बहुत बड़ी लॉटरी जीत ली, कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया, आप देखेंगे 2-4 दिन में वो किसी ना किसी तरह सपने में भी वैसी चीजें आएंगी। ये देखा है कभी कि नहीं? मान लीजिए शादी में कोई आप गए, कोई आपको एकदम से ऐसा जो है लड़की दिख गई कि उसके बाद फिर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि मिल जाए वही, तभी सब कुछ जिंदगी बन जाएगी। तो फिर वही ऐसा जो है हो कि सपने में आप उससे शादी कर रहे हो, या फिर जो है कोई ऐसा लड़का दिख जाए, ऐसा ये सब चीजें होती हैं नॉर्मल जो है, अगर आप लोग जिस एज में हैं ये वाली चीजें, इन्फेक्चुएशन, सब चीजें, ये सब चलता रहता है। भैया सपने वही आते हैं जो आपके साथ लेटेस्ट में इंसिडेंट होता है, क्योंकि माइंड ने वो लेटेस्ट में चीज देखी तो वो कहां ना कहीं ना फिट कर पा रहा है, तो सपने में फिट कर दी। ये कभी महसूस किया है आपने? जो आपके साथ लेटेस्ट में इवेंट होती है वही सपना क्यों आता है? आखिर मान लो आपने सांप देख लिया तो आपको सपने में सांप ऐसे करेगा? तो ये इसीलिए है, इसीलिए रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के लिए जरूरी है कि आप अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइए। मैंने पूरा जो है डिटेल में भी बनाया हुआ है कि भैया कैसे नोट्स बनाते हैं। आप नोट्स सिर्फ वही चीजों के बनाइए, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट, जो फैक्ट्स हैं या फिर जो आप भूल जाते हैं, और उन्हीं को रिवाइज करिए। और रिवीजन करना चाहिए अपने नोट्स से। 50 तरीके की बुक आपने जीएस पढ़ ली, फिर क्या उसको रिवीजन कर लोगे? क्या उसमें अंडरलाइन बोर्ड पूछो कैसे रिवीजन करोगे? अंडरलाइन करके हमने लिखा है कल, कल उठी को कर लेंगे। अरे नहीं हो पाएगी भैया, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है ना, दुख दुख बढ़ता जाता है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है, पगलापन बढ़ता जाता है। इसीलिए अपने खुद के नोट बनाइए, कि स्पाइरल माइंडिंग की कॉपी लाइए, उसी में चीजें नोट करिए टू द पॉइंट। जितना शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। पहले पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो, समझ लो चीजों को, घुसा लो अपने माइंड से, बातें कर लो, और उसमें से जो निकले फैक्ट या फिर जो भूल रहे हो वो नोट करो, फिर उसको जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर रिविजन करते रहो।
ये लैला मजनू बनने की कहानी छोड़ दो भैया जी, कभी इलॉन मस्क को देखा है कि वो बैठा हो ऐसे दारू पी रहा हो, कह रहा हो कि टुकड़ा के बेला प्यार मिला इंतकाम में, नहीं कुछ देखेगी वो खुद। ये जो चीजें हैं प्यार मोहब्बत, ये सब चीजें उम्र में जरूर ठीक ठाक होती हैं, लगती भी हैं। कई बार लोगों को लगता है कि तुमने प्यार नहीं किया होगा इसलिए तुम कह रहे हो, अरे ऐसा नहीं है भैया जी, सबका एक दौर होता है, अपना करियर बना लो। ये प्यार बड़ी जो है घोटिया चीज है, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास गरीबों के लिए बनाई गई है, उसी में फंस कर रह जाते हैं तभी नहीं उस चक्रव्यूह से निकल पाते हैं। बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो हमेशा, जो है ठीक है ये सारी चीजें भी एक टाइम पे ठीक होती है, फैमिली भी ठीक है, माँ बाप भी ठीक है, बीबी बच्चे सब बढ़िया है भैया, लेकिन आपका करियर या पैसा पावर नहीं है तो घंटा कोई नहीं पूछेगा। पहले अपने करियर पे ध्यान दो, उसके लिए लगातार करनी पड़ेगी मेहनत। और हाँ, ये मूवी देख के ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देख के कि देख के अगर आईएएस बनते होते ना गुरु, तो आज आधा इंडिया से ज्यादा जो है आईएसआई बना फिरा होता। चीजें होती हैं, कई लोग जो है बन जाते हैं सही टाइम से, सही लक से, सारी चीजें सही फिट बैठ गई तो बस बन गए, नहीं बैठ पाई तो चाहे जितने ब्रिलियंट हो। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो आईपीएस आईपीसीएस है यही लोग बस ब्रिलियंट है? एक से एक टैलेंट पड़े हैं इंडिया में, एक से एक काम कर सकते हैं। बस एटीट्यूड वो रखो कि भैया जो कर रहे हैं उसमें खींच के निकालेंगे, नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे।